विजय बचाओ, विजय बचाओ, विजय नहीं नहीं नहीं, हमारे गांव को किसकी नजर लग गई? पहले चौकीदार मरा और अब मुझे तो डर है कहीं उन्हीं की वजह से हमें भी परेशान ना होना पड़े। देखो देखो कैसे आंखें फटी हुई हैं, जैसे कोई डरावना देख लिया और प्राण उड़ गए। भैया हम गरीब गांव वालों का क्या, ये लीला तो बड़े बड़े घर के लोगों में हो रही है। आराम की जरूरत है, घबराने की कोई बात नहीं, मैं ठाकुर साहब से बात करता हूं। ठाकुर साहब आपने अच्छा नहीं किया, कविता आपकी बीवी है, कोई बाजारू औरत नहीं जिसे आप शैतानों की तरह इस्तेमाल करें। डॉक्टर यह आपकी गलत फहमी, आपकी पत्नी के जिस्म पर जानवरों के खरोंच की तरह निशान है, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। आप जरा ध्यान रखिए, उन्हें आराम की जरूरत है, मैं चलता हूं। आपकी पत्नी के जिस्म पर जानवरों के खरोंच की तरह निशान है, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। आपके पत्नी के जिस्म पर जानवरों के खरोंच की तरह निशान है, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। आपकी पत्नी के जिस्म पर जानवरों के खरोंच की तरह निशान है, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। मालिक बस कीजिए, मालिक आप सुबह से पी रहे हैं और आपने कुछ खाया भी नहीं, भगवान के लिए और मत पीजिए मालिक। नहीं माधव, मुझे आज जी भर के पीने दो, मैं आज अपने होश और हवास खो देना चाहता हूं, मुझे आज खून करना है, अपनी मोहब्बत का खून करना है। मालिक 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 औरत पर हाथ नहीं उठाते, वो बेबस और मजबूर होती है, आप इन्हें माफ कर दीजिए। माधव तुम अपनी बीवी को माफ कर सकते हो लेकिन मैं नहीं। मालिक मालिक अरे आप आ गए, मैं सुबह से आप ही का इंतजार कर रही थी, अभी भी थोड़ी सी कमजोरी है, मैंने सोचा अपनी शक्ल तो सुधार लूं। शक्ल तो मैं ठीक करूंगा तेरी, पता नागिन कौन है तेरा यार जिसके लिए तुमने मेरे साथ इतना भयानक नाटक खेला है, मेरे इतने कहने के बाद भी तुमने उसके साथ जाकर रंगलियां मनाई, पता क्या है उसमें जिसके लिए तू पागल बनी रहती है, बता। मैं निर्दोष हूं, मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ आपकी हूँ, मैंने अग्नि के साथ फेरे लेकर भगवान को साक्षी मानकर आपको अपना जीवन साथी माना है, आप ये सब कैसे सोच लेते हैं? तुम कविता को नहीं मार सकते, वो मेरी है। तुम? मैं रंजीत हूं, कविता का प्रेमी, कविता मेरी है, सिर्फ मेरी है। हा
अभी आ पहुंचे। कविता कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, छोड़िए मुझे, हट जाइए, हट जाइए, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, छोड़िए मुझे, नहीं छोड़ी, नहीं, नहीं छोड़ूंगी तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी। कविता विजय, आप मुझसे नाराज है ना? कविता, मुझे अपने गुजरे हुए कल के बारे में सब कुछ याद आ गया है। आज मैं आपको वो कहानी बताना चाहती हूँ जिसे सुनकर आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई और एक भले आदमी ने मुझे एयर इंडिया में एयर होस्टेस की नौकरी दिलवा दी। मैंने बंबई में रहना शुरू कर दिया। जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी वहां का एक बदमाश आदमी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। जब भी मैं फ्लाइट से वापस आती वो मुझे छेड़ता, मेरे करीब आने की कोशिश करता।